song for the broken hearted. Hello and a very warm welcome to It's My Life Season 2. Jagannath Institute of Management Sciences द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आज हम क्या करने वाले हैं आपको बताते हैं. Life without competition. हर बार हमने सुना कि competition is healthy. Compete with whom? किसके साथ मुकाबला करें? जो जीता वही सिकंदर. लेकिन जीत किसे कहते हैं? ये सारे सवाल एक साथ मन में उठने लगते हैं जैसे ही कंपटीशन की बात होती है. तो चलिए सबसे पहले एक सिचुएशन को देखते हैं जिसमें मुकाबला करते करते एक बच्चा कहां तक पहुंचता है. जिंदगी इतनी अंधेरी क्यों है? जीत कर भी मैं ही हारा, हर बार मेरी ही हार क्यों है? प्यार में भी मैं ही हारा, हर अफसर ने मुझे नकारा, मैं कुछ करने लायक ही नहीं. जिंदगी एक रेस है जिसमें दौड़ते जाना है और हर बार जीत उसी की जो सबसे पहले होगा, सबसे आगे होगा. कितनी बार दौड़ेंगे, कितनी रेसेस करेंगे, हम भी नहीं जानते शायद. तो आज के युवा ने चैलेंज लिया है और वो इस सिचुएशन को, इस थॉट प्रोसेस को, इस बिलीफ सिस्टम को बदलना चाहते हैं. सिचुएशन हमारे सामने आई कि जिंदगी का मुकाबला करते करते, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स देते देते सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है. अब इसके आगे क्या? तीन कैंडिडेट्स यहां हमारे पास बैठे हैं जो जिम्स के स्टूडेंट्स हैं और आज अपनी अपनी राय देंगे. हमारे साथ है रजत. हाय रजत. हेलो. हमारे साथ है प्रियांशा. हेलो प्रियांशा. हेलो. और हमारे साथ है गरिमा. हेलो गरिमा. तो रजत आपसे शुरू करते हैं. हमने एक सिचुएशन देखी जिसमें हर कदम पर कंपटीशन, और वो कंपटीशन कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक बच्चे के साथ ही हो रहा है, हम सब उससे गुजरे हैं. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कंपटीशन ना ही हो तो बेहतर है. रैंकिंग सिस्टम बंद कर दीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम बंद कर दीजिए. जिस व्यक्ति, जिस स्टूडेंट, एनीबडी हु वांट्स टू बी इन अ फील्ड विच ही वांट्स, विच ही इज पैशनेट अबाउट, लेट हिम और हर गो फॉर इट. वी कैन नॉट स्टॉप और से कि क्रिकेट में जाइए, हॉकी में क्या है, क्रिकेट में देखिए कितना अच्छा है. उसको क्रिकेट नहीं पसंद तो नहीं पसंद, वाई शुड ही गो फॉर हॉकी? और मैथ्स नहीं पसंद तो मैथ्स को इतना वेटेज क्यों? ह्यूमैनिटीज को हम कितना नीचे मानते हैं आज के डेट में. ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज हम उसको नीचे कैसे मान सकते हैं? इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसी वजह से. यहाँ से रैंकिंग सिस्टम बंद कर दीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम बंद कर दीजिए, कॉम्पिटिशन इसको बैन कर सकते हैं ना अगर, तो लेट अस बैन दिस कॉम्पिटिशन. वंडरफुल. तो हमारी कॉइन बकेट में आप प्रियांशा, गरिमा, do you both accept competition should be banned? No, I don't exactly think competition banned नहीं होना चाहिए. लोगों की सोच बदलनी चाहिए. ये कहना कि परसेंटेज है, मास्क को बंद कर दो, that's not possible. हम कम्पीट किससे करेंगे फिर? मतलब अपने आप को अच्छा किससे दिखाएंगे? हमें ये देखना चाहिए अगर हम नहीं जीत पाए तो क्यों नहीं जीत पाए. ठीक है, मैंने ब्रॉन्ज जीता मेडल, मैंने गोल्ड जीता, पर मैंने पहले से कितना इम्प्रूव किया. तो ये खुद का बिलीफ सिस्टम है, लोगों को बोलने से नहीं होगा. जब भी हम कम्पीट करते हैं हम फर्स्ट नहीं आना चाहते. कौन है जो ब्रॉन्ज जीतना चाहता है कंपटीशन में जाने में? कौन है जो सेकंड आना चाहता है? नो, नोबडी वांट्स दैट. बट देन वो हर्ट तो रहेगा ही, हमेशा नहीं रहेगा. लेकिन फिर एक होना, हर्ट होना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए ना कि तुम बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाओ. ये नहीं होना चाहिए. हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्या करें? वो क्या, उसको बस अपने पे भरोसा रखना चाहिए कि ठीक है. हार का मतलब ये कि मैं सही नहीं हूँ? नहीं,
बट मेरे को तो यही समझ नहीं आता कंपीट करना किसके साथ है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इटसेल्फ डजंट गेट इनटू माई माइंड. Why do we have to prove somebody that yes, we are the best? Why can't we just simply accept it on our own way that yes, we are the best and this is how we are. If you have to accept it or simply let it go. अच्छा तो लेकिन लोग नहीं मानेंगे ना, मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे ना कभी भी. Because they are our support system. हाँ. वो उन बच्चों से अपना support हटा लेते हैं जो कि competition में अच्छा नहीं कर रहे, या फिर teachers हैं, friends हैं, कुछ कोई भी है. अगर मैं उसको बोल दूं कि I have ranked 12th in the class, वो सोचेगा ये बता ही क्यों रहा है मुझे. सो दिस रैंकिंग सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड. खत्म कर दीजिए इस रैंकिंग सिस्टम को. व्हाई नॉट एवरीबडी इज पास्ट, ओके, और आपकी कौन सी फील्ड अच्छी है, यू डू वेल. एंड डूइंग वेल डजंट मीन कि आप दूसरों को पीछे करके अच्छा कर रहे हैं. आपका जितना पोटेंशियल है, गिव योर बेस्ट, दैट इज व्हाट वी नीड टुडे. बिकॉज रजत, इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑलवेज कि लोग क्या कह रहे हैं उसको हम चेंज कर पाए. सोसाइटी को, सिस्टम को आज मेरे हाथ में नहीं है चेंज करना, लेकिन मेरे हाथ में मेरी अपनी सोच को चेंज करना तो पॉसिबल है. इवन इफ मेरे आसपास सब कुछ हो रहा है, चारों तरफ कॉम्पिटिशन है, चारों तरफ भाग दौड़ है, चारों तरफ जो है वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें मैं अपने आप को सही नहीं महसूस कर पा रहा, तो द चाइल्ड व्हाट इज़ गोइंग थ्रू. तो आपको क्या लगता है प्रियांशा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यू नो, ही शुड बी वेरी सैटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग टू हिम. एंड यू नो, अभी यही इसी बात को लेते हैं कि अगर इफ यू वुड बी इन दैट सिचुएशन जहां पर आपके पेरेंट्स प्रेशर करने वाले हैं, सपोज आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो ऐसे ही प्रेशर करते हैं, या फिर आपका जो पूरा स्कूल सिस्टम है वो आपको कंटिन्यूस प्रेशर, आपको जीतना ही है, अदरवाइज यू आर नॉट एक्सेप्टेड, व्हाट विल यू डू? आई विल ट्राई एंड कन्विंस देम. And if they are not convinced, then probably they can be just let it be. Then how are they a supporting system for me when they cannot understand me? Wow, I like that. You accept that. It? Yeah, accept it. So can we put it in the coin? Three of you accept? Yeah. तो पहला जो bucket coin में coin जा रहा है प्रियांशा, वो आपकी तरफ से आता है कि अगर मेरा support system, अगर मेरे अपने ही लोग मुझे जैसा मैं हूँ नहीं accept करते, how are they my support system? तो मैं सबसे पहले खुद को स्वीकार करूं, ये उस बच्चे को और जितने भी बाकी लोग और यहाँ पर हम सब बैठे हैं. लाइफ विदाउट कंपटीशन में आज जो पहला कॉइन गया है हमारी बकेट में, वो ये कहता है, पहला नया बिलीफ सिस्टम, कि मैं जैसी हूँ जैसा हूँ खुद को स्वीकार करूं. जिस दिन मैं अपने आप को स्वीकार कर लूंगा, मेरा सपोर्ट सिस्टम भी शायद मुझे स्वीकार कर ले. क्या लगता है आपको रजत? थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं कि अगर वो मुझे स्वीकार नहीं करते तो क्या मैं अपना सपोर्ट सिस्टम अपने पीछे से हटा सकता हूँ? नहीं, वो मेरे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स रहेंगे, टीचर्स हैं टीचर्स रहेंगे, सोसाइटी विल रिमेन द सेम, आई कैन नॉट चेंज इट. यहाँ पर एक टर्न लेते हैं, बिलीविंग इन यू. बिलीफ आपके अंदर अपने आप आएगा. कैसे आएगा? अपने आप रेफरेंसेस, खुद को रेफरेंसेस बनाइए. रजत अगर ये काम नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी. मे बी आई कैन डू बेटर, बट नॉट बेटर देन समबडी एल्स, बेटर देन माई सेल्फ. Let it be, I am good than myself tomorrow. Better than myself tomorrow. And the day will come when I'll be the best. References is me again. So self-competition could be a way out. I'm not saying it is the solution, but it is a very... beginning. Beginning, exactly. So, yahan se reference point leke, ab wo naya step ye leta hai, main jaisa hoon, apne aap ko aaj swikar kar raha hoon. This was the first step and then... विश्वास रख रहा हूँ, मेरे पास जो क्वालिटीज हैं उनमें मैं विश्वास रखूँ. कैन वी टेक इट एज अ सेकंड कॉइन? यस वी कैन. एक्सेप्टिंग? सो वी हैव द सेकंड कॉइन एज बिलीविंग इन योरसेल्फ.